बम्बई दिल्ली एक्सेस हाईवे। मैं अभी एक्सेस हाईवे के ऊपर सूरत के पास कीम नदी के नॉट पे हूँ। यहाँ पे सामने जो दक्षिण दिशा जो दिख रही है वहाँ पे कीम नदी, फिर तापी नदी और फिर पलसाना की ओर का रास्ता है। यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सामने जो मुझे ट्रैफिक जो दिख रहा है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 का है और कीम चार रास्ता के उत्तर का है, यानी कि ये सूरत की नॉर्थ दिशा की एंट्री बनेगी। ये देखिए सामने हमने BPCL का प्लेटफॉर्म दिख रहा है और फिर डेडी डॉन दिख रहा है। ये जो हमें जो सामने जो एक्सेस हाईवे जो बनता दिख रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एक्सेस हाईवे का नेशनल हाईवे नंबर 48 का ब्रिज है, यानी कि उसको क्रॉस करके हुए ये पूर्व से पश्चिम में की ओर जाता है और उसकी दिशा है उत्तर दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप है नेक्स्ट जो आएगा किम से फिर अंकलेश्वर और भरूच की ओर जाएगा और यहाँ से आगे नर्मदा नदी को क्रॉस करने वाला ब्रिज आएगा और ये बड़ौरा की ओर जाएगा। अभी देखिए जो नीचे जो ट्रैफिक जो दिखाई दे रहा है यहाँ से सूरत की एंट्री और एग्जिट होगी एक दिशा की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की। उसका मतलब ये होता है कि अगर बड़ौरा भरूच से अगर कोई बंदा, यानी कि दिल्ली से आने वाला कोई बंदा, अहमदाबाद से आने वाला कोई बंदा, अगर इसी को अगर सूरत के लिए नीचे उतरना है तो ये नेशनल हाईवे नंबर 48 को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ से, आप देखिए ये हमें सामने एक और रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड यहाँ से डाइवर्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि नेशनल हाईवे को 48 को क्रॉस करने के बाद उसको लेफ्ट हैंड साइड में दबानी है और वहाँ पे सामने जो कुछ पिलर जैसे दिख रहा है वहाँ पे टोल नाका होएगा और वहाँ से घूम के फिर वो नेशनल हाईवे 48 पे आ जाएगा और फिर कुछ आगे उसको किम चार रास्ता मिलेगा। और अगर किसी बंदे को अगर यहाँ से नेशनल हाईवे में आना है अहमदाबाद यानी किम से या फिर किसी को कोसंबा या फिर यहाँ से अगर किसी को मुंबई की ओर जाना है तो ये BPCL के पेट्रोल पंप के सामने की साइड से वो यही देखो सामने एक और ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज से वो ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे टोल नाका आएगा और टोल नाके से फिर ये दो रोड साथ साथ में फिर आगे जाके दो अलग हो जाते हैं तो वहाँ से ये सामने के एक्सरसाइज में यानी कि वो जॉइंट हो जाएगा और वो यहाँ से किम नदी को क्रॉस करते हुए फिर तापी नदी को क्रॉस कर नवसारी और बड़ौरा की ओर बॉम्बे की ओर चला जाएगा। थैंक यू। मुंबई दिल्ली एक्सेस हाईवे। मैं अभी सूरत के उत्तर दिशा में किम के पास हूँ। मेरे सामने जो ट्रैफिक दिख रहा है वो नेशनल हाईवे 48 है, यानी कि बम्बई से अहमदाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक्सेस हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ, यानी कि ये जो सामने जो हमें जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज बम्बई से दिल्ली जाने वाला एक्सेस हाईवे का ब्रिज है और यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे किम की एंट्री और एग्जिट आएगा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे ये देखो ये पिलर जो दिख रहे हैं वो पिलर्स यहाँ से किम की एंट्री और एग्जिट का, सूरत की किम की एंट्री और एग्जिट का टोल नाका यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे दो साइड बनेगी, यानी कि अगर कोई बंदा ऊपर से नॉर्थ से यानी कि बड़ौरा भरूच से अगर किसी को सूरत की ओर जाना है तो वो यहाँ से एक्सेस हाईवे से लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाएगा और फिर यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा हाईवे है। ये हाईवे से पूरा घूम के ये जो हमें जो पीछे जो रोड जो दिख रहा है वहाँ से घूम के वो नीचे उतर जाएगा। आप देखिए आप घूमिए पीछे, ये देखिए ये पूरा का पूरा घूम के ये टोल नाका होके फिर वो यहाँ से उतर के किम चार रास्ता की ओर निकल जाएगा। अगर किसी बंदे को यहाँ से अगर बम्बई की ओर जाना है तो वो कोसंबा की ओर से यानी नेशनल हाईवे 48 पे कोसंबा की ओर से अगर वो आता है तो यहाँ पे ये जो डेरी डॉन का जो बोर्ड दिखता है वहाँ से वो ये हाईवे के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे टोल नाका बनेगा और टोल नाका के पीछे ये बड़ा सा टोल नाका आएगा तो वहाँ से फिर घूम के एक दो छोटे छोटे ब्रिज है वो घूम के फिर वो यहाँ पे ये जो रोड है वहाँ से आगे जाते हुए वहाँ पे और एक ब्रिज है वहाँ से जाते हुए वो एक्सेस हाईवे में चढ़ जाएगा और फिर वो बम्बई की ओर चला जाएगा। थैंक यू। एक्सेस हाईवे। मैं अभी सूरत के उत्तर दिशा में नॉर्थ ईस्ट दिशा में किम चार रास्ता के थोड़ा से उत्तर में हूँ कोसंबा की ओर। यहाँ पे सामने
मुझे नेशनल हाईवे नंबर 48 दिख रहा है जो बम्बई से अहमदाबाद को कनेक्ट करता है। सामने एक और ब्रिज दिख रहा है, वो बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो वहाँ पे, ये जो बम्बई का जो नेशनल हाईवे बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है वो दक्षिण दिशा में, यहाँ से दक्षिण दिशा में वो नेशनल हाईवे के पूर्व दिशा में था, अभी ये कोसम्बा की ओर, पंडोई सुगर की ओर ये पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे जाके वो रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस करेगा, सूरत से बौड़ा जाने वाली रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस करेगा। यही नेशनल हाईवे जो सामने जो ब्रिज दिख रहा है, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सूरत की एंट्री एग्जिट है। सामने की साइड यानी कि एक्सेस है कि सामने की साइड पे, वहाँ से अगर अहमदाबाद और दिल्ली से अगर किसी को सूरत के लिए उतरना है तो सामने से उतर सकेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ दक्षिण दिशा में यानी कि एक्सेस हाईवे की पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे किम चार रस्ता के बाद ये एक और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये हाईवे दिख रहा है, वहाँ पे किम चार रस्ता के बाद किम नदी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे दक्षिण आपको लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना होगा और फिर यहाँ से हम एक्सेस हाईवे पर चढ़ सकेंगे। और ये एक्सेस हाईवे हमको नॉर्थ दिशा में आगे जाके हुए नर्मदा नदी को क्रॉस करेगी और भरूच और फिर नेशनल हाईवे के साथ जॉइंट हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे एक्सेस हाईवे है, तो एक्सेस हाईवे पर जाने का ये सूरत की एंट्री है। और अगर किसी को, अगर बम्बई वाले किसी को, अगर सूरत के बम्बई से आने वाले किसी को अगर किम और कोसम्बा के लिए उतरना है तो ये सामने वाले ब्रिज से लेफ्ट हैंड साइड से टर्निंग मार के फिर वो यहाँ पे उतर सकेगा और यहाँ पे फिर टोल नाका भी बनेगा। थैंक यू। बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, मैं अभी सूरत की उत्तर दिशा में तकरीबन नॉर्थ ईस्ट दिशा में हूँ। किम करके एक स्टॉपेज है, किम, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो किम चार रास्ता से कुछ किलोमीटर आगे है और यहाँ से किम चार रास्ता से आगे कोसम्बा करके एक लोकेशन आता है, फिर अंकलेश्वर सब आता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सेस हाईवे की एंट्री और एग्जिट बौड़ा से आने वाला एक्सेस हाईवे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। इसमें ये दिखे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें जो दिख रहा है वो एक्सेस हाईवे है, वो सामने की साइड बौड़ा की ओर जा रहा है। और नीचे अगर आपको दिख रहा है, अगर नीचे ट्रैफिक, वो नेशनल हाईवे नंबर 48 है और वहाँ से नीचे से हम किम चार रास्ता और कैम्ब्रिज की ओर जा सकते हैं हाईवे पर और बम्बई की ओर। यहाँ पे सामने ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो एक्सेस हाईवे है और राइट हैंड साइड पे जो हमें जो रोड दिख रहा है वो पूरा टर्निंग वाला, वो टर्निंग से जो बौड़ा वाले आने वाला बंदा अगर उसको किम चार रास्ता पे सूरत के लिए उतरना है तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उतरेगा। ये देखिए मैं अभी एक्सेस हाईवे के ऊपर हूँ, ये जो नीचा तो दिख रही है मुझे नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ से किम से यानी आगे की साइड रेलवे को क्रॉस करते हुए कोसम्बा से आगे जाते हुए भरूच की अंकलेश्वर और भरूच के पास वो नर्मदा नदी को क्रॉस करेंगे एक्सेस हाईवे। अभी मैं जहाँ पे दिख रहा हूँ वो बम्बई की ओर जाने का रास्ता यानी कि बौड़ा से सूरत होके बम्बई जाने वाला यानी दक्षिण दिशा है। अभी मैं ये जो दिख रहा है, अभी ये जो अभी हम देखेंगे, ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि बौड़ा से अगर कोई बंदा अगर आता है उसको अगर सूरत उतरना है अगर, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा और वो वहीं से यहाँ से वो नेशनल हाईवे के पास यानी किम चार रास्ता के नॉर्थ दिशा में वो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न ले लेगा। ये देखो ये एक रास्ता हमें लेफ्ट हैंड साइड पे उतरने वाला दिख रहा है, आगे मेरी बाइक खड़ी है, वो रास्ते से वो नीचे उतरेगा और थोड़ा सा आगे टोल नाका क्रॉस करते हुए वो नेशनल हाईवे के साथ मिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको देखो और कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो रोड नीचे उतरने के लिए यानी कि बौड़ा से अगर सूरत जाना हो तो, दिल्ली से अगर कोई बंदा आता है उसको अगर सूरत के लिए उतरना हो तो, अगर किसी बंदे को सूरत से अगर दक्षिण दिशा में जाना हो यानी कि किम चार रास्ता से यहाँ से अगर किसी को मुंबई की ओर जाना हो तो हमें ये जो सामने एक और ब्रिज दिख रहा है वो वहाँ से वो ऊपर चढ़ेगा यानी कि किम चार रास्ता से आगे से वो ऊपर चढ़ेगा और फिर ये यहाँ से हमें जो सामने ब्रिज दिख रहा है वहाँ से ब्रिज से आगे होके बीच में टोल नाका भी आ जाएगा और वहाँ से होके वो
सामने की साइड यानी कि दक्षिण दिशा की ओर ऊपर आएगा और वो एक्सेस हाईवे में यानी इकट्ठा हो जाए यानी मिक्स हो जाएगा। ये देखिए 4+4 लेन एक्सेस हाईवे है, RCC का एक्सेस हाईवे है, सनसनर स्पीड से यहाँ पे गाड़ी जाएगी। ये दक्षिण दिशा में आगे जाएंगे तो यहाँ पे किम नदी का ब्रिज आएगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर टापी नदी का ब्रिज आएगा, वो भी काफ़ी कुछ कंप्लीट है एक साइड का, और फिर वहाँ से पलसाना एना गलुड़ा चौकड़ी होके नवसारी होके बम्बई की ओर जाएगा। थैंक यू। सूरत बम्बई दिल्ली एक्सेस हाईवे, मैं अभी किम के उत्तर में हूँ। सूरत के उत्तर दिशा में किम आता है, वो वहाँ से थोड़ा उत्तर किम चारा के थोड़ा सा उत्तर में हूँ। यहाँ पे मुझे सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो नेशनल हाईवे के ऊपर है, NH-48 के ऊपर है, वो एक्सेस हाईवे क्रॉस होता है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक्सेस हाईवे की एंट्री और एग्जिट है किम के पास, यानी कि ये जो सामने जो 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 एक्सेस हाईवे का जो ब्रिज दिखा है वहाँ से उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, यानी कि अगर बम्बा अगर बौड़ा से कोई बंदा आता है तो वो ऐसे यहाँ से घूम के फिर ये सामने जो ट्रैफिक हमें दिख रहा है ट्रैफिक वो नेशनल हाईवे 48 का है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा घूम के यहाँ से पूरा का पूरा घूम के ये फिर यहाँ से उतरेगा और चढ़ेगा। यानी कि अगर कोई बंदा बौड़ा से आता है वो लेफ्ट हैंड साइड से घूम के फिर वहाँ पे यहाँ ये डेरीडोन और BPCL का पेट्रोल पंप है ये साइड में उतर जाएगा, और अगर किसी बंदे को अगर बम्बई के लिए जाना है तो वो कोसम्बा की ओर से यानी कि कोसम्बा और कोसम्बा मांगरोल वाला जो चार रास्ता आता है नेशनल हाईवे पे वहाँ से किम चार रास्ता के बीच में BPCL के पेट्रोल पंप के सामने डेरीडोन के पास से वो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा और फिर वो बॉम्बे की ओर चला जाएगा। सामने जो पिलर जो दिख रहा है वो एक्सेस हाईवे के टोल नाका का पिलर्स है, वो भी काम अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है। बम्बई दिल्ली एक्सेस हाईवे, मैं अभी किम से थोड़ा आगे किम चारास्ता से थोड़ा सा आगे के भाग में हूँ। ये 4+4 लेन का एक्सेस हाईवे ऊपर से जा रहा है, इसकी सूरत की एंट्री के पास में खड़ा हूँ। यानी कि अगर ये सामने नॉर्थ दिशा है, अगर किसी बंदे को अगर बौड़ा से या फिर दिल्ली से आने वाले बंदे को अगर किसी को सूरत पे उतरना है तो ये जो सामने वाला जो रोड है यानी कि ये तो एक्सेस हाईवे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन सामने एक और रोड हमें दिख रहा है, वो रोड से वो घूम के BPCL के पेट्रोल पंप के पास उतर जाएगा। और किसी बंदे को अगर ये किम कोसम्बा से बम्बई की ओर जाना है तो वो सामने वाले ब्रिज से वो यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस हाईवे की जो राइट हैंड जो मैं अभी दिख रहा हूँ वो दक्षिण दिशा की ओर हूँ वो वहाँ पे वो जॉइंट हो जाएगा।